हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक की रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको थेनेटोलॉजी के ऊपर मैं कुछ पहले थ्योरी करवाऊंगा और उसके बाद फिर मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का नया रह चुका हूँ। और दोस्तों, अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि चेंजेस आफ्टर डेथ यानी कि थेनेटोलॉजी का मैं फर्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ। मैं दो पार्ट रहेंगे इसके, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो इसके अंदर पहले मैं करवाऊँगा थ्योरी पार्ट और इसी रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ रहूँगा एमसीक्यूज, और फिर जो पार्ट टू आएगा उसके अंदर भी पहले थ्योरी पार्ट आएगा और फिर आएगा एमसीक्यू। तो दोस्तों, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप है। तो दोस्तों, जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। इन स्पेशल क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पूरी लाइव होती हैं। तो इसका ना ये है दोस्तों कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। आपको ऑफलाइन क्लासेस की तरह कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप घर के ही सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप जो है लाइव क्लासेस उठाते हुए आप नीट पीजी की प्रैक्टिस आप बड़े आसानी से कर ले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते। तो दोस्तों, यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप जब चाहें तब अपनी लर्निंग आप कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब चाहें तब अपना खुद का टाइम टेबल बना के आप यहाँ पे अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे वीडियोस को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हैं और फिर बाद में उनको ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटरएक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली करेक्ट आंसर को क्लिक करना रहेगा जो आपको लगता है कि सही आंसर है। और जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं, तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप हमसे जुड़ेंगे। इसका ये हुआ लर्न एनी टाइम एनी वेयर। दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो दोस्तों, अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVERAM, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इसका ना ये है दोस्तों, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों, अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVERAM, मेरा रेफरल कोड लगा देने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। तो दोस्तों, जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30000 रुपीज़, लेकिन अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVERAM तो ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का, 30000 नहीं देना है। तो दोस्तों, एक चीज़ के ऊपर आपको फोकस कराऊँ तो 12 मंथ के चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूँ तो ये भी दोस्तों हो जाता है 27000 रुपीज़। तो दोस्तों, आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि दोस्तों अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता तो दोस्तों 7 महीने बाद एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों फिर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है दिमाग से स्किप करने लग जाए, क्योंकि बहुत सारे
टॉपिक ऐसे होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों आपके पास एक ये बेनिफिट रहेगा कि आप एग्ज़ाम के बाद भी आप अपनी पढ़ाई के टच में रह सकते हैं, लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपका जो ड्रीम सब्जेक्ट है, आपका जो ड्रीम जो ब्रांच है, कोई भी मान लीजिए जैसे मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, तो दोस्तों आपकी जो ड्रीम ब्रांच है आप उसके अंदर लाइव क्लासेस अटेंड कर करके आप जो है उस अपने ड्रीम ब्रांच के अंदर अपडेट रह सकते हैं, आप उसके अंदर अपना परफेक्शन लेके आ सकते हैं। या दोस्तों अगर मान लीजिए प्रिपरेशन के टाइम पे कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं हो पाया तो दोस्तों एग्ज़ाम के बाद अपने आप उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को यहाँ पे लगता है वो यही लगता है कि दोस्तों आप एक तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं, आपको कहीं ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप नीट पीजी की प्रिपरेशन कर पाते हो। उससे भी बड़ा पॉइंट ये लगता है दोस्तों कि यहाँ पे आप एजुकेटर के सामने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई अगर आंसर सही होता है गलत होता है तो आप तुरंत उसके ऊपर डिस्कस कर पाएंगे कि सर ये ऐसा क्यों है, क्यों हुआ है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहते हैं कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो दोस्तों अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों ये जो बिलीव होता है अपने अंदर यही दोस्तों आपको कोई भी चीज़ हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अपने अंदर बिलीव रखिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले थ्योरी पार्ट करवाऊँगा और उसके बाद जो है मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा मैं, तो थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसके अंदर अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप जो है ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थैनेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। सेक्शन 46 आईपीसी क्या कहता है, डिफाइन डेथ। यही दोस्तों सेक्शन 46 आईपीसी डेथ को डिफाइन करता है जो कि दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ सिडनी में भी हुआ था। तो दोस्तों काफ़ी सारे डिक्लेरेशन होते हैं जैसे टोक्यो हो गया, अमेरिका हो गया, सिडनी हो गया, जेनेवा हो गया, तो दोस्तों काफ़ी सारे डिक्लेरेशन हैं। तो इसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ सिडनी के अंदर डेथ वाला पोर्शन आता है। अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, डेट इज डिफाइंड एज परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर लाइव बर्थ हैज टेकन प्लेस। तो दोस्तों एक बार लाइव बर्थ हो जाने के बाद कभी भी अगर परमानेंट डिसअपियरेंस होता है, परमानेंट डिसअपियरेंस होता है जिसके अंदर लाइफ के जो एविडेंसेज हैं वो सब डिसअपेयर कर जाते हैं, वो सब नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ये होता है डेथ की डेफिनेशन। तो डेट इज डिफाइंड एज परमानेंट डिसअपियरेंस of all evidence of life at any time after live birth has taken place। तो दोस्तों इसके अंदर देखते हैं बिशप्स ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, इज सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रेन फंक्शन। तो दोस्तों ये जो तीन हैं यही है बिशप्स ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। कंप्लीट एंड इररिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट फ्रॉम बिशप्स ट्राइपॉड कॉज सोमैटिक डेथ। तो दोस्तों कंप्लीट या फिर इरिवर्सिबल स्टॉपेज अगर होता है इनमें से किसी का भी कंपोनेंट का तो दोस्तों यही होता है सोमैटिक डेथ। आफ्टर सोमैटिक डेथ द मॉलिकुलर एक्टिविटी विद इन द सेल कंटिन्यूज एंड स्टॉप आफ्टर 2 to 3 hours रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। तो दोस्तों सोमैटिक डेथ के 2 से 3 घंटे बाद ही जो है इंडिविजुअल सेल्स की पूरी तरीके से डेथ हो चुकी होती है, तो इसी को दोस्तों बोला जाता है मॉलिकुलर डेथ। तो दोस्तों सबसे पहले होता है सोमैटिक डेथ, उसके 2 से 3 घंटे बाद होता है दोस्तों जब सारे इंडिविजुअल सेल्स मर चुके होते हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं मॉलिकुलर डेथ। दिस पीरियड बिटवीन सोमैटिक डेथ एंड मॉलिकुलर डेथ इज कॉल्ड सुप्रा वाइटल पीरियड। तो दोस्तों जो ये 2 से 3 घंटे का जो टाइम है यही होता है दोस्तों सुप्रा वाइटल पीरियड। ऑर्गन्स आर हार्वेस्टिंग फॉर ट्रांसप्लांटेशन इन बिटवीन सोमैटिक एंड मॉलिकुलर डेथ। बेसिक मोड्स ऑफ डेथ ये क्या है दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन डिसफंक्शन ऑफ विच सिस्टम लीडिंग टू डेथ ऑफ पर्सन इट इज ऑफ 3 types। 3 होते हैं दोस्तों, एस्फिक्शिया, कोमा एंड सिंकोप। एस्फिक्शिया क्या होता है दोस्तों, स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन। कोमा क्या होता है दोस्तों, स्टॉपेज ऑफ द ब्रेन फंक्शन।
सिंकोप क्या होता है दोस्तों, स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन। तो दोस्तों यही तीन कंपोनेंट जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन डिसफंक्शन ऑफ विच सिस्टम लीडिंग टू डेथ ऑफ पर्सन। तो दोस्तों यही तीन की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। टेस्ट फॉर सर्कुलेशन, तो दोस्तों सर्कुलेशन को टेस्ट करने के लिए क्या होता है, मैग्नस टेस्ट, आई का टेस्ट, डायफेनेस टेस्ट और फिंगर नेल टेस्ट। टेस्ट फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या टेस्ट है दोस्तों, मिनस्लाउस टेस्ट, मिरर टेस्ट एंड फेदर टेस्ट। दीज टेस्ट फॉर सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन आर ऑब्सोलीट नाउ, अब ये सारे टेस्ट नहीं किए जाते हैं। ब्रेन टेस्ट इज थ्री टाइप, तीन टाइप के होते हैं दोस्तों, सेरेब्रल डेथ, ब्रेन स्टेम डेथ और होल ब्रेन डेथ। तो क्राइटेरिया टू डिफाइन ब्रेन डेथ एंड ब्रेन स्टेम डेथ आर, तो दोस्तों क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, पहला क्राइटेरिया दोस्तों हार्वर्ड क्राइटेरिया, तो दोस्तों ये होता है फॉर कॉर्टिकल ब्रेन डेथ, तो दोस्तों कॉर्टिकल ब्रेन डेथ के लिए होता है ये हार्वर्ड क्राइटेरिया। इसके ना क्या आता है दोस्तों, अनरेसेप्टिविटी एंड अनरेस्पॉन्सिबिलिटी, नो मूवमेंट्स, एपनिया फॉर एटलीस्ट वन आवर, एबसेंट ऑफ एलिसिटेबल रिफ्लेक्स, इरिवर्सिबल कोमा, आइसोइलेक्ट्रिक ईईजी, ये होता कन्फर्मेटरी दोस्तों। ऑल दिस टेस्ट शुड बी रिपीटेड आफ्टर 24 आवर, तो दोस्तों 24 आवर के बाद जो है फिर से साइड टेस्ट करने पड़ेंगे। इन सब के अंदर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है आइसोइलेक्ट्रिक ईईजी। सेकेंड देखते हैं दोस्तों मैनिसोटा क्राइटेरिया, ये होता है दोस्तों ब्रेन स्टेम डेथ के लिए, तो ये होता है दोस्तों नो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, नो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन फॉर 4 मिनट, एबसेंट ऑफ 5 मेजर ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स जैसे प्यूपिलरी, कॉर्नियर, ग्रिमेसिंग, गैग एंड ऑक्यूलो वेस्टिबुलर। तो ये जो दोस्तों 5 हैं, एबसेंट ऑफ दीज 5 ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस रिपीट आफ्टर 12 आवर, तो दोस्तों ये 12 घंटे के बाद रिपीट फिर से किया जाता है। रूल ऑफ टू, दीज क्राइटेरिया शुड बी प्रेजेंट फॉर 2 आवर्स एंड 2 फिजिशियन शुड इंडिपेंडेंटली एग्जामिन एंड सर्टिफाई द डेथ। डिक्लेरेशन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ लाइफ ऑर्गन डोनेशन। तो दोस्तों हमने 2 क्राइटेरिया देखा, एक हमने देखा हार्वर्ड क्राइटेरिया, एक हमने देखा मैनिसोटा क्राइटेरिया। तो जो हार्वर्ड क्राइटेरिया है दोस्तों वो कॉर्टिकल ब्रेन डेथ के लिए होता है, और जो मैनिसोटा क्राइटेरिया होता है दोस्तों ये ब्रेन स्टेम डेथ के लिए होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आर। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के डिफरेंट टाइप क्या है, होमोलोगस डोनेशन, ये क्या होता है, इट इज़ द ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इन द सेम पेशेंट। लाइफ डोनेशन क्या होता है दोस्तों, डोनेटिंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ, जब इंसान जिंदा होता है तभी जो है ऑर्गन डोनेट हुआ। कैडेवरिक डोनेशन, तो जो दोस्तों डेथ होने के बाद डोनेशन हुआ है, तो डोनेशन ऑफ ऑर्गन आफ्टर डेथ। जीनोग्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, ग्राफ्टिंग एनिमल टिश्यू इनटू ह्यूमंस। आइसोग्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, ग्राफ्टिंग टिश्यू अमंग आइडेंटिकल ट्विन्स। एपरेंट डेथ, सस्पेंडेड एनिमेशन या फिर ट्रांस डेथ, डेड ट्रांस। तो दोस्तों ये क्या होता है, अपीयर्स टू बी डेड बट इट रिमेन्स देन इन रियलिटी इट इज नॉट। तो मतलब ये दोस्तों कि सारे फीचर्स के अंदर यह लगेगा कि पर्सन डेथ हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर उनको रेसिस्टेट किया जाएगा तो वो जिंदा हो जाएंगे। तो इसके क्लासिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं योगा वगैरह, जो योगा करके जो साधु संत लोग जो हिमालय में जाते हैं वो उनका आप एग्जांपल ले सकते हैं। द साइन ऑफ लाइफ आर रिड्यूस टू सो मिनिमल दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई रूटीन क्लिनिकल मैथड। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइजेज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड एंड रिमेन्स वायबल। तो कंडीशन क्या क्या होती है दोस्तों, कंडीशन यूजली कॉजिंग सस्पेंडेड एनिमेशन आर, तो क्या क्या होते हैं, वॉलेंट्री कॉजेज के अंदर दोस्तों होता है योगा, तो योगा करके जो दोस्तों हिमालय वगैरह पे जाते हैं तो प्रैक्टिस करके जो है वो वहाँ पे मेडिटेशन करते रहते हैं, तो योगा दोस्तों एक सस्पेंडेड एनिमेशन का एग्जाम्पल वॉलेंट्री का। न्यू बॉर्न जो है काफ़ी मोस्ट कॉमन है ये। हीट स्ट्रोक या फिर हाइपोथर्मिया, हैंगिंग, ड्रॉनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, मॉर्फिन एंड बार्बिट्यूरेट्स ओवरडोज, डिजीज लाइक कोलेरा एंड टाइफॉइड। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए दोस्तों एक निमोनिक वो है ABCDE, ABCDE। तो दोस्तों ए से हो गया आपका एनेस्थीशिया,
बी से दोस्तों हो गया न्यू बॉन्ड, सी से दोस्तों हो गया कॉलेरा, डी से दोस्तों हो गया ड्रॉनी, ई से दोस्तों हो गया इलेक्ट्रोक्यूशन। और फिर आप ले सकते एच एस, एच से आप ले सकते दोस्तों हाइपरथर्मिया, ये हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। और दोस्तों एस से आप ले सकते हैं शॉक या फिर सन स्ट्रोक, ये भी आप ले सकते हैं, तो शॉक या फिर सन स्ट्रोक। एच से दोस्तों जैसे मैंने बताया हाइपर या फिर हाइपोथर्मिया, या आप निमोनिक ले सकते हैं दोस्तों। जुस्कास फिनोमिनन क्या होता है दोस्तों, ऑल्सो कॉल्ड टेंडन रिएक्शन, तो ये इसको बोलते हैं दोस्तों टेंडन रिएक्शन। स्ट्राइकिंग द लोअर वन थर्ड ऑफ द क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल विद अ हैमर कॉज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पैटेला, दिस कैन बी एलिसिटेड विद इन 1 to 2 आवर्स आफ्टर डेथ बिटवीन सोमैटिक एंड मॉलिकुलर डेथ। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि सोमैटिक डेथ के बाद भी काफ़ी सारे सेल्स जो है जिंदा रहते हैं 2 से 3 घंटे तक, तभी जब सारे सेल्स की डेथ हो चुकी होती है तो दोस्तों तब होता है मॉलिकुलर डेथ। तो दोस्तों जब डेथ होने के 1 से 2 घंटे के बाद भी हम अगर कहीं पे हम स्ट्राइक करते हैं तो दोस्तों पैटेला जो है ऊपर आती है, ये दोस्तों जुस्कास फिनोमिना। रूल ऑफ 20 क्या है दोस्तों, ब्रीदिंग स्टॉप विद इन 20 सेकेंड्स ऑफ कार्डिक अरेस्ट एंड हार्ट स्टॉप विद इन 20 मिनट ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ द हार्ट बीट। सो इफ देयर इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड हार्ट इज बीटिंग फ्यू मिनट्स आफ्टर डेथ, लंग्स वेट कैन इंक्रीज अप टू 500 ग्राम्स ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा एंड कंजेशन। ये दोस्तों रूल ऑफ 20। निगेटिव ऑटोप्सी क्या होता है दोस्तों, निगेटिव ऑटोप्सी एन ऑटोप्सी इज सेट टू बी निगेटिव वेन ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक टॉक्सिकोलॉजिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फेल्स टू रिवील अ कॉज ऑफ डेथ। तो दोस्तों ऑटोप्सी करने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि उसकी डेथ क्यों हुई है, ये होता है दोस्तों नेगेटिव ऑटोप्सी। तो ये इट इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक टॉक्सिकोलॉजिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग फेल्स टू रिवील अ कॉज ऑफ डेथ। अबाउट 2 से 5% ऑफ ऑल ऑटोप्सीज आर नेगेटिव। द कॉमन कॉज ऑफ वेगल इनिबिशन, लैरिंजियल स्पैज़म, एपिलेप्सी, पैरोक्सिज्मल फिब्रिलेशन, यूरिमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, एड्रिनल इनसफिशेंसी, सर्वाइकल कंकशन, ड्रग आइडियोसिनक्रेसी, पोटेशियम डेफिशिएंसी। तो दोस्तों ये सारे कुछ कॉजेज हैं जिसके अंदर निगेटिव ऑटोप्सी देखी जाती है, और लगभग 2 से 5% जितनी भी ऑटोप्सी होती है उसके अंदर 2 से 5% ऐसी ऑटोप्सी होती है जिसके अंदर हम पता नहीं कर पाते कि डेथ किस वजह से हुई है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑटोप्सी की, तो ऑटोप्सी कॉल्ड नेक्रोप्सी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और थैनेटोप्लास्टी, थैनेटोप्सी। तो फर्स्ट ऑटोप्सी इन इंडिया वॉज कंडक्टेड बाय डॉक्टर एडमर्ट बकले ऑन द बॉडी ऑफ मिस्टर व्हीलर इन 1963। ऑल कैविटीज जैसे कि क्रेनियल, थोरेसिक एंड एब्डोमिन मस्ट बी ओपन एंड एवरी ऑर्गन मस्ट बी एग्जामिन इन एवरी केसेस ऑफ मेडिकल लीगल ऑटोप्सी। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि जो है अगर पैर पे सांप काटे तो सिर्फ पैर की ऑटोप्सी होगी, तो दोस्तों पूरी बॉडी की ही ऑटोप्सी करके हम ऑटोप्सी करते हैं। तो भले ही जो है दोस्तों पैर पे सांप काटो, लेकिन तब भी हम लोग पूरे बॉडी जैसे क्रेनियल, थोरेसिक या फिर एब्डोमिन की हम ऑटोप्सी करते हैं, ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों ऑटोप्सी क्या होती है, 2 टाइप की होती है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी एंड मेडिकल लीगल ऑटोप्सी, 2 टाइप की ऑटोप्सी होती है। तो दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स दोस्तों पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी और मेडिकल लीगल ऑटोप्सी। तो पर्पस क्या होता है, टू नो द पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी के अंदर टू नो द कॉज ऑफ डेथ एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज, लेकिन यहाँ पे मेडिकल लीगली क्या होता है, मेनली कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम सिंस डेथ हम पता करते हैं। हिस्ट्री क्या होगी, हिस्ट्री एंड कोर्स ऑफ डिजीज आर प्रेजेंट। देखिए मेडिकल लीगली ऑटोप्सी के अंदर क्या होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री इज एब्सेंट और स्केची और डाउटफुल, डन बाई किनके द्वारा किया जाता है, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये दोस्तों फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। कंसेंट जो है रिलेटिव से लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रिटर्न में
ऑर्डर होता है तभी किया जाता है। एग्जामिनेशन क्या होगा दोस्तों, ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन और कैविटी इज एग्जामिन, मे बी होल बॉडी इन सम केस। लेकिन दोस्तों मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के अंदर क्या होता है, ऑल द थ्री कैविटीज मस्ट बी ओपन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो दोस्तों जो ये तीन ऑर्गन थे, ये मैंने बताया था आपको, क्रेनियल, थोरेसिक एंड एब्डोमिन, ये तीनों कैविटी को खोल के एग्जामिन किया जाता है। हेल्पफुल फॉर, किसके लिए हेल्पफुल रहता है, एकेडेमिक ओरिएंट, लेकिन ये मेडिकल लीगल ऑटोप्सी किस लिए होता है, लॉ एंड जस्टिस के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रूल्स की। स्टार्ट्स ओनली वेन गेट एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता है, पहले जो है जो पुलिस जो इंक्वेस्ट कर रही होती है उनसे रिटर्न में ऑर्डर होता है। स्टार्ट ओनली गेट्स एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। कंडक्ट इन एन मॉर्चरी, मॉर्चरी के अंदर कंडक्ट किया जाता है। एग्जामिन शुड बी कंडक्ट इन डे लाइट, डे लाइट में किया जाता है, एज फार एज पॉसिबल फॉर बेटर प्रेसिपिटेशन ऑफ जॉन्डिस कलर चेंज ऑफ रूल्स। तो दोस्तों कोशिश किया जाता है कि डे लाइट में किया जाए, आर्टिफिशियल लाइट में ना किया जाए। नाउडेज नाइट ऑटोप्सी आर कंडक्टेड एट डिफरेंट सेंटर ऑफ द इंडिया। नो अनऑथराइज पर्सन शुड बी प्रेजेंट एट ऑटोप्सी, कोई भी अरा गहरा पर्सन ऑटोप्सी वाले एरिया में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बोथ पॉसिबल एंड इम्पॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग शुड बी नोटेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ऑटोप्सी के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव फाइंडिंग्स को भी नोट डाउन किया जाए। आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बॉडी शुड बी हैंडेड ओवर टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नॉट रिलेटिव। तो दोस्तों जो पुलिस जो ऑफिशियल ऑर्डर देती है तो उन्हीं को ही हैंड ओवर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया जाता है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के बाद रिलेटिव्स को नहीं दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुड नॉट इशू टू द थर्ड पार्टी। दोस्तों किसी भी थर्ड पार्टी को इशू नहीं किया जाता है, ऑफिशियल पर्पस के लिए जो है ये हमेशा रहता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं दोस्तों ऑटोप्सी के, टू असर्टेन कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, मैनर ऑफ डेथ। तो दोस्तों ये हम पता करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, टाइम कितना हुआ डेथ को हुआ है और किस वजह से डेथ हुई है, ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। टू फाइंड आउट हाउ द इंजुरीज हैव बीन अकर्ड एंड इट्स कोलरेशन विद वेपन। तो दोस्तों इंजुरी कैसे हुई है और किस वेपन की वजह से हुई होगी, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पता करते हैं। टू कलेक्ट फिजिकल एविडेंस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल और प्रूव द ऑफेंस। दोस्तों जो फिजिकल एविडेंस होते हैं वो क्रिमिनल के अगेंस्ट में आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि वो उसके ऑफेंस को प्रूव किया जा सके। इन केस ऑफ फेटल ऑटोप्सी दैट टू डिटरमाइन द वायबिलिटी एंड इफ लाइव बर्थ व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। दोस्तों यही कॉज ऑफ डेथ का पता करना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो दोस्तों एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है डेड बॉडी का, तो एग्जामिन द बॉडी, इट्स पोजिशन, क्लोथिंग एंड एनी स्टेन, इंजरी इफ प्रेजेंट एंड डिफरेंट पोस्टमार्टम चेंजेस। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जो ऑटोप्सी करने स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें नोट की जाती है, एग्जामिन की जाती है कि किस पोजिशन में है बॉडी, क्लोथिंग क्या क्या है, कोई स्टेन तो नहीं है उसके ऊपर, इंजरीज कैसी हैं, पोस्टमार्टम चेंजेस क्या क्या हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं। इंसीजन कैसा दोस्तों देते हैं इसके अंदर, स्किन इंसीजन कैसे देते हैं दोस्तों, आई शेप यानी कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम चेन टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन इंसीजन। वाई शेप बिगिंस फ्रॉम द एक्रोमेन प्रोसेस, एक्सटेंड्स डाउन बिलो द ब्रेस्ट एंड देन मीडियली टू मीट एट द ज़ीवी स्टर्नम, फ्रॉम ज़ीवी स्टर्नम टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। मॉडिफाइड वाई शेप क्या होता है दोस्तों, बिगेन फ्रॉम सुपर एक्सटर्नल नॉच, एक्सटेंड अपवर्ड टू बिहाइंड द ईयर, फॉर्मिंग आर्म ऑफ वाई एंड देन फ्रॉम सुपर एक्सटर्नल नॉच टू डाउनवर्ड अप टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, गिवन इन केस लाइक हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन इन विच डिटेल्ड स्टडी ऑफ नेक ऑर्गन आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये हैं कुछ इंसीजन, वाई शेप, आई शेप, मॉडिफाइड वाई शेप। अब दोस्तों देखते हैं कि ऑर्गन को कैसे रिमूव किया जाता है, उनके क्या क्या मेथड है। तो मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, तो वर्चाउस टेक्निक, ये क्या होती है दोस्तों, इंडिविजुअल ऑर्गन्स आर रिमूव वन बाय वन, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर रिमूवल ऑफ ऑर्गन। तो दोस्तों एक एक करके रिमूव ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाता है, तो दोस्तों यही मोस्ट कॉमन टेक्निक है और दोस्तों ये होती है वर्चाउस टेक्निक।
तो इंडिविजुअल ऑर्गन्स एक एक करके जो ऑर्गन्स होते हैं आर रिमूव वन बाय वन। रॉकेटेंस्की टेक्निक, ये क्या होता है दोस्तों, इन सीटू डाइसेक्शन कंबाइंड विद एंड ब्लॉक रिमूवल डन इन पेशेंट विद हाईली ट्रांसमिसिबल डिजीज जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस। दिस मेथड ऑल्सो सू इन केस ऑफ इन्फेंट ऑटोप्सी एंड ऑल्सो रेडिएशन हैजार्ड्स। लेटरल्स टेक्निक्स क्या होती है दोस्तों, एंड मास रिमूवल सर्वाइकल थोरेसिक एब्डोमेन एंड पेल्विक ऑर्गन एट अ टाइम। दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रिजर्वेटिंग द वेस्कुलर सप्लाई एंड एनाटॉमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गन्स। गॉन्स टेक्निक्स क्या होती है दोस्तों, एज ऑर्गन ब्लॉक एग्जाम्पल थोरेसिक ब्लॉक मीन्स हार्ट एंड लंग्स रिमूव एट द टाइम। सिमिलरली एब्डोमिनल ब्लॉक यूरोजेनाइटल ब्लॉक एटसेट्रा। दोस्तों जैसे कि हार्ट और लंग्स को एक साथ रिमूव किया था तो एज ऑर्गन ब्लॉक एग्जाम्पल थोरेसिक ब्लॉक मीन्स हार्ट और लंग्स रिमूव एट द सेम टाइम। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट कैसे किया जाता है दोस्तों, बाय इनफ्लो आउटफ्लो मेथड। इट स्टार्ट अलोंग द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल देन पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स लास्टली लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। तो दोस्तों जैसे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो होता है तो उसी सीक्वेंस में जो है हार्ट का डाइसेक्शन किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ द हेड, हेड को कैसे एग्जामिन किया जाता है दोस्तों, इन रूटीन ऑटोप्सी हेड शुड बी ओपन फर्स्ट। तो रूटीन ऑटोप्सी के अंदर हेड को सबसे पहले ओपन किया जाता है। इट इज़ बिकम मोर सिग्निफिकेंट इन पॉइजनिंग डेथ वेयर देर इज चांस ऑफ बेटर अप्रिशिएशन ऑफ स्मेल ऑफ पॉइजन। इन सस्पेक्टेड केस ऑफ ट्रॉमेटिक हेड इंजरी इट इज एडवाइजेबल टू ओपन द हेड फर्स्ट। हाउएवर फ्यू ऑथर्स हैव अ कॉन्ट्राडिक्ट व्यू, ओपन द हेड एंड आफ्टर ओपनिंग द हार्ट। तो दोस्तों जनरली हेड को सबसे पहले जो है ओपन करके देखा जाता है। इंटरमेस्ट्रॉइडल इनसीजन, तो बायमेस्ट्रॉइड, तो क्या होता है इज गिवन प्रिफ्लेक्ट स्कैल्प एंटेरो पोस्टेरियरली। डिफरेंट मेथड ऑफ स्कल कैप रिमूवल इन इन्फेंट। बेनेक्स मेथड बार्ट टेक्निक, तो स्कल का कैप को रिमूव करने के लिए इन्फेंट के अंदर, तो ये सारी टेक्निक होती है बेनेक्स एंड बार्ट टेक्निक। ब्रेन इज डाइसेक्टेड एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेंटीमीटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बिगन एट द फ्रंटल पोल एंड सीरियल सेक्शंस आर मेड इन द कोरोनल प्लेन। इट इज एग्जामिन इन द फ्रेश स्टेट। फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी द ब्रेन हैज़ टू बी फिक्स इन 40% फॉर्मलिन एंड लेटर चेंज टू 10%। तो दोस्तों हेड के बाद अब देखते हैं स्पाइन को कैसे रिमूवल करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। तो रिमूवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नॉट डन रूटीनली इन सस्पेक्टेड केस ऑफ स्पाइनल इंजरी स्पाइनल कॉर्ड इज ओपन फ्रॉम पोस्टीरियर अप्रोच। द बेस्ट मेथड इज पोस्टीरियर अप्रोच इन विच अपर मोस्ट सर्वाइकल स्पाइन इज बेटर एक्सपोज। एंटीरियर अप्रोच कब करते हैं, मेथड इज सिंपल एंड क्विक विच इज डन फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द नर्व रूट डोर्सल गैंग्लिया एंड पेरिफेरल नर्व। तो उस केस में दोस्तों एंटीरियर अप्रोच अपनाते हैं, लेकिन जनरली जो है पोस्टीरियर अप्रोच को अपनाया जाता है। डाइसेक्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक को कैसे डाइसेक्ट करेंगे, ओपन थ्रू द ग्रेटर कर्वेचर टू एग्जामिन द स्टेटस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेंट। तो दोस्तों स्टमक को खोलने के लिए जो है ग्रेटर कर्वेचर से जो है, तो दोस्तों जो ग्रेटर कर्वेचर होता है यहाँ से दोस्तों डाइसेक्ट किया जाता है। वर्चुअल ऑटोप्सी क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द नॉन इन्वेजिव टेक्निक लाइक CT स्कैन एंड MRI फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। तो दोस्तों नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती तो इसके अंदर दोस्तों CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, इनकी मदद से हम पता करते हैं डेथ का क्या कारण हो सकता है। एडवांटेज ऑफ वर्टोप्सी इज इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द इम्पॉर्टेंट एविडेंस विच मे बी डिस्ट्रॉयड इन द यूजुअल ऑटोप्सी। तो यह है दोस्तों इसका इम्पॉर्टेंट कि जो है एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। MR स्पेक्ट्रोस्कोप मेजरमेंट मेजर्स मेटाबोलाइट फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन विच हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ।
फिजियोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होता है दोस्तों? इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन कलेक्टिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द डिक्रीज टू स्ट्रक्चरल इंटरव्यू ऑफ फैमिली मेम्ब्रेन, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव और फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम अटेंडिंग हेल्थ केयर पर्सनल. वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल टूल ऑफ रिसर्च ऑन कंप्लीटेड सुसाइड. एग्जामिनेशन ऑफ द स्केलेटल रिमेन, तो उनको कैसे एग्जामिन करेंगे दोस्तों? प्रेसिपिटेंट टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज विच इज नेगेटिव आफ्टर 10 ईयर्स. डीएनए एनालिसिस कैन बी डन फ्रॉम द मैरो सेल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज. फॉर्मूला फॉर स्ट्रेचर डिटर्मिनेशन, तो दोस्तों स्ट्रेचर को डिटरमाइन करने के लिए जैसे मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के पार्ट टू के अंदर भी मैंने अच्छे से बताया था कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के लिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं. पियर्सन फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचर को डिटरमाइन करने के लिए, ट्रॉटर एंड ग्लेसन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हैरिसन एंड ड्यूपेट्रियस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेडन फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचर को पता करने के लिए. एग्जीम्यूशन क्या होता है दोस्तों? एग्जीम्यूशन होता है दोस्तों जब किसी डेड बॉडी को जमीन में गाड़ दिया जाता है, चाहे वो किसी भी रिचुअल के द्वारा किया गया हो, तो उनको बाहर निकालना. इट इज़ अ डिगिंग आउट, उनके ग्रेवयार्ड से बाहर निकालना ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी लीगली फ्रॉम द ग्रेव. दोस्तों कानूनी रूप से उनके ग्रेवयार्ड, उनके जो जो बरीड किया गया है वहाँ से बाहर निकालना डेड बॉडी को, इसी को बोला जाता है एग्जीम्यूशन. तो दोस्तों एग्जीम्यूशन करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद कभी भी एग्जीम्यूशन किया जा सकता है. बॉडी इज एग्ज्यूम ओनली वेन देर इज रिटन ऑर्डर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. दोस्तों यहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही जो है ऑर्डर दे सकता है, और ये पावर जो होती है वो होती है सेक्शन 176 CRPC के तहत. इट शुड बी कंडक्टेड इन नेचुरल लाइट. इन केस ऑफ सस्पेक्टेड हैवी मेटल पॉइजन, नेल्स, हेयर्स एंड लॉन्ग बोन यानी कि फीमर आर प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस. सॉइल सैंपल फ्रॉम 6 साइट ऑफ डेड बॉडी जैसे कि हेड एंड टू एंड लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो सबसे जो है सॉइल का सैंपल लिया जाएगा अलॉन्ग विद द कंट्रोल सॉइल सैंपल जो कि दोस्तों डेड बॉडी से 20 से 30 यार्ड की दूरी से लिया जाएगा. आर टू बी कलेक्टेड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस. तो साइन ऑफ डेथ दोस्तों क्या क्या होता है? इमीडिएट साइन क्या होंगे? इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ वॉलेंटियर पावर, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन. दोस्तों ये होता है साइन ऑफ डेथ इमीडिएट. अर्ली साइन क्या होता है दोस्तों? चेंजेस इन द स्किन, चेंजेस इन द आई, कूलिंग ऑफ द बॉडी जिसको एल्गर मोर्टिस के नाम से जानते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी कलर जो चेंज होता है, लेबर मोर्टिस बोलते हैं इसको, चेंजेस इन द मसल्स, तो दोस्तों इसको बोला जाता है राइगर मॉर्टिस. दोस्तों साइंस क्या क्या है डेथ के? इमीडिएट साइन और अर्ली साइन. इमीडिएट साइन होते हैं दोस्तों ये सारे, इनएबिलिटी रहेगी, लॉस रहेगा वॉलेंट्री पावर के, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन का सेसेशन हो जाएगा. अर्ली साइन के अंदर मैंने जैसे बताया था स्किन में चेंजेस आएंगे, आई में चेंजेस आएंगे, एल्गर मॉर्टिस, लाइबर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. और फिर लेट साइन क्या होता है दोस्तों? लेट साइन के अंदर आता है डिकम्पोजिशन एंड प्यूट्रिफिकेशन. तो डिकम्पोजिशन है कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन. मॉडिफिकेशन ऑफ द प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? एडिपोसियर एंड मॉमिफिकेशन. तो दोस्तों ये है इनका मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूट्रिफिकेशन. तो लेट साइन क्या क्या होगा? डिकम्पोजिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूट्रिफिकेशन. चेंजेस इन आईज की दोस्तों अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्स, फिक्स एंड डायलेटेड प्यूपिल इमीडिएट आफ्टर डेथ, रेल रोडिंग फिनोमिना या जिसको हम कैटल ट्रकिंग भी के नाम से भी हम जानते हैं, ब्लड एक्यूमुलेट इन द रेटिना, ब्लड वेसल्स बिकम्स फ्रेगमेंटेड और सेगमेंटेड, ट्रकिंग बोलते हैं, कॉल्ड एज क्यूवर्कियन साइन. अपीयर्स विद इन मिनट ऑफ दैट एंड परसिस्ट फॉर अबाउट एन आवर. इट कैन बी सीन इन द रेटिना बाई ऑप्थेल्मोस्कोप बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द ऑपेसिटी इन द कॉर्निया आफ्टर डेथ. तो दोस्तों जो रेटिना ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर ब्लड के कॉलम की वजह से जो है फ्रैगमेंट्स देखे जाते हैं. फ्लैसिडिटी ऑफ आईबॉल, तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इंट्राओक्युलर प्रेशर
विच बिकम निल आफ्टर एंड ऑफ 2 आवर्स। दोस्तों 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के आसपास तक जो आइस के अंदर जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है वो 0 हो चुका होता है डेथ के बाद। टेकन ओवर क्या होता है दोस्तों, जिसको ब्लैक स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। इट इज सीन अबाउट 3 आवर्स आफ्टर डेथ, डेथ के 3 घंटे बाद डेवलप होता है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, डिपॉजिट ऑफ सेल डेब्रिस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फाउंड ऑन द स्क्लेरा एट ईच साइड ऑफ द आयरिस। इट इज इनिशियली येलोइश इन कलर, लेटर बिकम ब्राउनिश ब्लैक। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आईज हैं, तो दोस्तों इसी के इर्द गिर्द ऐसे ट्राइंगुलर शेप का ये होता है, इसी को दोस्तों बोला जाता है टेकेनॉय। तो इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, डिपॉजिट ऑन सेल डेब्रिस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फाउंड ऑन द स्क्लेरा एट ईच साइड ऑफ द आयरिस। ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया, लगभग 6 घंटे के बाद, डेथ के 6 घंटे के बाद ओपेसिटी हो जाती कॉर्निया की। विट्रियस ह्यूमर के बारे में देखें तो लीनियर इंक्रीज इन पोटेशियम एंड हाइपोजेंथिन वाइल डिक्रीज इन ग्लूकोज। अर्लियस्ट साइन आफ्टर डेथ इन आई, ये होता है दोस्तों केवर्कियन साइन। इंट्राक्यूलर टेंशन 0 हो जाता है 2 घंटे के बाद। अर्लियस्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ डिकम्पोजिशन, ये होता है दोस्तों राइट इलियक फोसा के अंदर ग्रीनिश डिकम्पोजिशन डिसकलरेशन देखा जाता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये एक डेड बॉडी है, तो दोस्तों जो ये जो राइट साइड है इसका, यहाँ पे दोस्तों ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखा जाता है। कूलिंग ऑफ बॉडी, जिसको हम जानते हैं एल्गर मोर्टिस के नाम से, तो कूलिंग ऑफ बॉडी, हीट प्रोडक्शन स्टॉप आफ्टर डेथ ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द हीट रेगुलेटिंग सेंटर। दोस्तों हीट रेगुलेटरी सेंटर के बंद होने हो जाने की वजह से एल्गर मोर्टिस देखी जाती है, यानी कूलिंग ऑफ बॉडी देखी जाती है। हीट बॉडी इज मोस्टली लॉस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड, बिकॉज ऑफ विच देर इज फॉल ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी स्टार्ट कूलिंग। तो दोस्तों कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की वजह से जो बॉडी होती है वो ठंडी होने लग जाती है। द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी आइदर अकर एट द सेम रेट थ्रू आउट द बॉडी, नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो दोस्तों द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी जो होती है ये सेम रेट से नहीं होती, नाइदर अकर एट द सेम रेट थ्रू आउट द बॉडी नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग दोस्तों जो है 0.4 से लेकर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर्स की होती है फॉर नेक्स्ट 12 आवर टू 16 आवर आफ्टर डेथ। दोस्तों डेथ के 12 से 16 घंटे तक जो है 0.4 से लेकर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर की स्पीड से होती है। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट द हीट लॉस इज रफली 0.4 से लेकर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेट कंट्रीज उसमें दोस्तों लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर की रफ्तार से होती है। दोस्तों एक बारी में यहाँ पे थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में देता हूँ, समर्स में दोस्तों ये लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर की स्पीड से होता है कूलिंग, और विंटर्स के केस में ये लगभग होता है 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर की रफ्तार से होती है बॉडी ठंडी। व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस टाइम आफ्टर डेथ, देन द शेप ऑफ कर्व इज सिग्मॉइड और इन्वर्टेड एस शेप इन पैटर्न। तो दोस्तों जनरली एस ऐसे होता है, लेकिन दोस्तों अगर इन्वर्टेड की बात करें तो ये होता है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड एस शेप इन पैटर्न। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि जो है कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों अगर हम इसको प्लॉट करें तो ऐसे देखा जाता है। तो फेज फर्स्ट आइसोथर्मिक फेज होता है दोस्तों, कोर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट ऑल ड्यूरिंग दिस फेज। फेज टू क्या होता है दोस्तों, इंटरमीडिएट फेज होता है, स्टीप डिक्लाइन करता है यहाँ पे, और फेज थ्री क्या होता है दोस्तों, ग्रेजुअल डिक्लाइन करता है। तो दोस्तों ये हो गया फेज वन, ये हो गया फेज टू, ये हो गया फेज थ्री। तो दोस्तों कूलिंग ऑफ बॉडी ये आप देख रहे हैं, तो ये हो गया फेज वन, फिर स्टीप होता है फेज टू, और दोस्तों ये हो गया फेज थ्री। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन कैसे कैसे होता है, लिबिडिटी कब होती है, राइगर मोर्टिस कब होती है, और कूलिंग और बॉडी कब
होती है, कैसे होती है। तो ये था दोस्तों एक डायग्राम, एक चार्ट। तो एलगर मोर्टिस की दोस्तों हम बात करें तो इट गिव्स अ रफ आइडिया अबाउट टाइम सिंस डेथ। टाइम सिंस डेथ का एक रफ एस्टिमेशन हमें मिलता है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, टाइम सिंस डेथ इक्वल्स टू, टाइम सिंस डेथ इक्वल्स टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फॉल। तो ये है दोस्तों इसका फॉर्मूला। दोस्तों टाइम सिंस डेथ क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर माइनस होल डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फॉल, रेट ऑफ फॉल। जिससे दोस्तों हम पता कर सकते हैं टाइम सिंस डेथ इन केस ऑफ एल्गर मोर्टिस। तो दोस्तों यहाँ पे NBT का फुल फॉर्म है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, RT का फुल फॉर्म है दोस्तों रेक्टल टेम्परेचर, ROF का मतलब होता है रेट ऑफ फॉल विच इज़ 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आर और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर इन समर, जैसे मैंने पिछले साल के अंदर आपको बताया था, और 0.75 फ़ारेनहाइट पर आर इन विंटर्स एंड 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों ये आप कैलकुलेशन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों टीडीएस टाइम सिंस डेथ, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर प्लस 3 इफ टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड। साइट क्या होगी दोस्तों, कहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो रेक्टम इज द आइडियल प्लेस टू रिकॉर्ड टेम्परेचर एक्सेप्ट इन केस ऑफ सोडोमी। अदर साइट कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर आर इन्फीरियर सर्फेस ऑफ लीवर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, नेजल पैसेज, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। दोस्तों इन सब जगह से भी हम जो है टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों एक अलग से थर्मामीटर आता है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों केमिकल थर्मामीटर या फिर थर्नेटोमीटर। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई केमिकल थर्मामीटर यानी कि थर्नेटोमीटर विच इज 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ रेंज फ्रॉम 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये हमने देखा बॉडी का कूल होना डेथ के बाद, लेकिन अब हम देखते हैं दोस्तों पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। तो डेथ के कुछ टाइम बाद तक थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर रेज करता है, तो बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स एलिवेटेड फॉर इनिशियल 2 आवर्स सो आफ्टर डेथ इंस्टेड ऑफ फॉल। दोस्तों बॉडी टेम्परेचर घटने की बजाय कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, एलिवेट होता है। वेरियस कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी आर सनी स्ट्रोक, फाउंटेन हेमरेज, टेनेटस, टेटेनस, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, सेप्टिसीमिया एंड कॉलेरा। दोस्तों इन सब के केस में भी जो है इन सब के केस में डेड के डेड पर्सन की केस में डेथ होने के बाद जो है टेम्परेचर रेज करता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, जिसको हम दोस्तों पोस्टमार्टम स्टेनिंग, कैडेवरिक लिविडिटी, सगिलेशन या फिर लाइबर मोर्टिस के नाम से भी हम जानते हैं। इट इज़ एन अर्ली साइन ऑफ डेथ, अर्ली साइन ऑफ डेथ है। ब्लूइश पर्पल ऑफ या फिर पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस रेटेमिकोसा अंडर द स्किन ओवर द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट प्रेशर एरिया ड्यू टू कैपिलोवेनस डिस्टेंशन। दोस्तों क्या होता है, सपोज करिए कि ये डेड बॉडी है, दोस्तों मान लीजिए ये एक डेड बॉडी है। दोस्तों अगर हम इसको टेबल पे रखेंगे दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा लिविडिटी, यहाँ पे दोस्तों लिविडिटी आएगी, ठीक है। तो प्रेशर एरिया को छोड़ के एक्सेप्ट प्रेशर एरिया, तो जो भी डिपेंडेंट पार्ट हैं दोस्तों वहाँ पे देखा जाएगा। द डिसकलरेशन इज ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, इट इज यूजली बिगेन शॉर्टली आफ्टर डेथ, वेल डेवलप विद इन 4 आवर्स आफ्टर डेथ एंड रीचेज अ मैक्सिमम बिटवीन 6 to 12 आवर्स। पीछे ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोस्टमार्टम लिविडिटी गेट फिक्स्ड आफ्टर 6 आवर्स एंड परसिस्ट अंटिल पिट्रिफिकेशन सेट इन। तो दोस्तों लिविडिटी फिक्स हो जाएगी 6 घंटे के बाद तक, और ये दोस्तों कब तक रहती है, जब तक प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है,
एंड परसिस्ट अंटिल पेट्रिफिकेशन सेट इन, हैंस बिफोर फिक्सेशन ऑफ द लिक्विडिटी इफ द बॉडी इज मूव टू अ न्यू प्लेस देन द लिक्विडिटी विल अपियर इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ न्यू पोजिशन। तो इसको दोस्तों बोला जाता है सेकेंडरी लिक्विडिटी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए बॉडी को मूव कर दिया जाता है तो दोस्तों उस दूसरी जगह पे भी लिक्विडिटी स्टार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ द लिक्विडिटी पोस्टमार्टम लिक्विडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, हेंस लेस मार्क इन डेथ ड्यू टू हेमरेज, एनीमिया, वेस्टिंग डिजीज। इट मे बी एबसेंट इन अबाउट 65% सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट इन अडल्ट और 45% इन इन्फेंट्स। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों हाइपोस्टेसिस की, यानी कि पोस्टमार्टम लिक्विडिटी की मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? तो टू नो द पोजिशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, एग्जाम्पल इन हैंगिंग केस, इन हैंगिंग केस ओवर लोअर लिम्स, हैंड, तो इसको बोलता जाता है दोस्तों ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये किसी ने फांसी लगाई है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे किसी ने ऐसे फांसी लगाई है तो दोस्तों तो ये जो एरिया है यहाँ यहाँ पे दोस्तों लिक्विडिटी देखी जाएगी। तो दोस्तों इसी की वजह से इसको बोला था ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न। व्हेन द बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम मोर देन 6 आवर्स, नॉट डेवलप इन ड्रॉनिंग इन रनिंग वाटर एज बॉडी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो दोस्तों अगर मान लीजिए बहती हुई तेज बहती हुई रिवर के अंदर ये नहीं डेवलप होगा, क्योंकि दोस्तों बहती हुई रिवर में क्या होगा, कभी बॉडी ऐसी है, कभी बॉडी ऐसी है, कभी बॉडी ऐसी है, कभी बॉडी ऐसी है, तो डिपेंडेंट पार्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर डेवलप नहीं करेगा। लिक्विडिटी इज एबसेंट इन ड्रॉनिंग इन रनिंग वाटर, सीवियर हेमरेज अबाउट 65% एडल्ट एंड 45% इन इन्फेंट। लिक्विडिटी इज मोर इंटेंस इन एस्फिक्शियल डेथ या फिर सडन डेथ के अंदर ज़्यादा इंटेंसिटी से लिक्विडिटी देखी जाती है। तो थ्योरी का लास्ट राइट लेते हैं दोस्तों, टू नो द नेचर ऑफ द पॉइजन फ्रॉम डिस्टिंक कलर द पोस्टमार्टम लिक्विडिटी। तो दोस्तों किस किस पॉइजनिंग के केस में कौन कौन सी कलर देखी जाती है, पोस्टमार्टम लिक्विडिटी की कलर देखी जाती है। तो दोस्तों पोस्टमार्टम लिक्विडिटी चाहिए रेड कलर का होगा इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ब्राइट रेड कलर का होगा दोस्तों साइनाइड पॉइजनिंग के केस में, ब्राइट पिंक कलर का होगा दोस्तों हाइपोथर्मिया एंड रेफ्रिजरेशन के केस में, डार्क ब्राउन होगा दोस्तों फॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में, ब्लूइश ग्रीन होता है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में, ब्राउनिश रेड और चॉकलेट कलर ये दोस्तों होता है नाइट्राइट नाइट्रोबेंजीन एनलिन के केस में ड्यू टू मैथ हीमोग्लोबिनीमिया की वजह से, ब्राउन्स कलर दोस्तों होता है क्लॉस्ट्रिडियम प्रेफेंजेन सेप्टिसीमिया की वजह से, ब्लैक कलर दोस्तों देखा जाता है ओपियम के केस में, और ग्रीनिश ब्राउन कलर दोस्तों देखा जाता है क्लॉस्ट्रिडियम वल्चर सेप्टिसीमिया की वजह से। तो दोस्तों ये हैं कि कौन कौन से केस में कौन कौन सी लिक्विडिटी का कलर देखा जाएगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल में से एक। तो दोस्तों इसी के साथ मैं थ्योरी पार्ट ख़त्म करता हूँ, थ्योरी पार्ट की रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया, अब दोस्तों देखते हैं एमसीक्यूज अब देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेने के साथ मैं बता दूँ कि दोस्तों एक रिकॉर्डेड सेशन है ये, तो कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे, लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आते तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ट्रू अबाउट मॉलिकुलर डेथ। तो दोस्तों मॉलिकुलर डेथ के अंदर इसमें से क्या क्या चीज़ें ट्रू हैं, तो सेम एज सेलुलर डेथ एज इंडिकेटेड बाय राइगर मॉर्टिस, इंडिकेटेड बाय स्टॉपिंग ऑफ हार्ट फंक्शन एंड फ्लैट ECG, ब्रेन डेथ या फिर ऑल सेल्स ऑफ बॉडी डाइड। तो दोस्तों मॉलिकुलर डेथ के अंदर मैंने आपको कहा था कि जब तक सारे सेल्स डेथ नहीं कर जाते तो उसको बुलाता है ऑल, इसके अंदर देखा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसको बुलाता है सेलुलर डेथ के नाम से भी हम जानते हैं, सेम एज सेलुलर डेथ एज इंडिकेटेड बाय राइगर मॉर्टिस। तो दोस्तों ये भी है सही जवाब, तो दोस्तों इसके जो करेक्ट आंसर हो गए A, B and E हो गए इसके करेक्ट आंसर, तो सी नहीं है और ब्रेन डेथ भी नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको मॉलिकुलर डेथ के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, तो मॉलिकुलर डेथ का दूसरा नाम है दोस्तों सेलुलर डेथ, तो मॉलिक्यूल या फिर सेल, तो जब तक एक सेल की डेथ नहीं होती तो दोस्तों तब तक तब उस केस में दोस्तों उसको बुलाते हैं सेलर डेथ, जब सारे सेल की डेथ हो जाती तो इट इज़ डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन, इट अकर्स प्रीमैच्योरली बिकॉज इंडिविजुअल सेल्स लिव ऑन रेसिडुअल ऑक्सीजन फॉर अ वेरिएबल टाइम डिपेंडिंग ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सब्सिक्वेंट चेंजेस अकर ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिसइंटीग्रेशन एंड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन।
तो दोस्तों इसके अंदर अर्ली साइन क्या है और लेट साइन क्या है, तो अर्ली साइन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों स्किन और आई के में चेंजेस आते हैं, राइगर मॉर्टिस होती है, जो है एल्गर मॉर्टिस होती है, पोसेंटल लिविडिटी देखी जाती है, तो एल्गर मॉर्टिस आई और स्किन में चेंजेस होते हैं, पोसेंटल लिविडिटी आएगी, राइगर मॉर्टिस इसके अंदर आएगा। लेट साइन के अंदर दोस्तों मैंने क्या बताया था, विट्रिफिकेशन, मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन के अंदर मैंने आपको बताया था एडिपोसियर फॉर्मेशन एंड मम्मीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, थैनेटोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद, तो दोस्तों थैनेटोलॉजी किसके से डील करती है, डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, सॉल्विंग पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग एंड डिटेक्शन ऑफ लाइफ। तो दोस्तों थैनेटोलॉजी क्या होता है, डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, तो सॉल्विंग पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग नहीं, डिटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं, दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों थैनेटोलॉजी डील्स विद डेथ इन ऑल एस्पेक्ट। एंटोमोलॉजी ऑफ कैडेवर दोस्तों क्या होता है, हेल्प्स डिटरमिनेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। तो दोस्तों मैं आगे आपको एंटोमोलॉजी बताऊंगा, जो जो कीड़े मकौड़े होते हैं जैसे मैकॉट फ्लाई, तो उन सब से हम पता कर लेते हैं। गैल्टन सिस्टम या फिर डेक्टाइलोग्राफी, ये क्या होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। बर्टिलियन सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जिसको एंथ्रोपोमेट्रिक भी बोलते हैं, तो दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एडल्ट ओवर 21 ईयर ऑफ एज, 21 साल के बाद ये देखा जाता है किस किस क्या क्या चीज़ें ली जाता है दोस्तों, बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव डाटा, तो ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। चीलोस्कोपी क्या होता है दोस्तों, लिप प्रिंट की स्टडी को, तो स्टडी ऑफ लिप प्रिंट फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। फॉरेंसिक ओरंटोलॉजी क्या होता है दोस्तों, ओरंटो मतलब टीथ, तो डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम टीथ पैटर्न, स्टडी ऑफ बाइट मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन। साइंस ऑफ डेंटिस्ट्री इज एज रिलेटेड टू लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सस्पेंडेड एनिमेशन इज डिफाइंड एज, तो दोस्तों सस्पेंडेड एनिमेशन की डेफिनेशन क्या होता है, अपरेंट डेथ फ्रॉम विच पर्सन कैन बी अराउज, ट्रू डेथ फ्रॉम विच पर्सन कैन नॉट बी अराउज, मे लास्ट फॉर लॉन्ग फॉर मे लॉन्ग लास्ट फॉर डेज और वीक, सेल्स नॉट बी प्रोड्यूस वॉलेंट्री, कॉल्स नॉट बी प्रोड्यूस वॉलेंट्री। तो दोस्तों डेफिनेशन पूछी गई यहाँ पे, तो डेफिनेशन क्या दोस्तों, अपरेंटली डेथ फ्रॉम विच पर्सन कैन बी अराउज, तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, बी नहीं, सी नहीं, डी भी नहीं। तो दोस्तों सस्पेंडेड एनिमेशन जिसको हम अपरेंट डेथ के नाम से भी हम जानते हैं, तो इट इज़ नॉट, इट इज़ ओनली अपरेंट डेथ एज द पर्सन इज नॉट रियली डेड, विच मीन्स इट इज नॉट क्लिनिकली या फिर ब्रेन या फिर मॉलिकुलर या फिर सेलुलर डेथ, इसके नहीं देखी जाएगी। इट इज़ कंडीशन साइन, इट इज़ कंडीशन साइंस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई रूटीन मेथड ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन बिकॉज द वाइटल फंक्शंस, जैसे कि दोस्तों सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन जो होते हैं, आर आइदर इंटरप्टेड फॉर सम टाइम और रिड्यूस टू मिनिमम एज इन हाइबरनेटिंग एनिमल। तो दोस्तों जैसे भालू को आप जानते हैं कि विंटर्स में हाइबरनेशन के लिए चला जाता है, तो वैसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों पर्सन लगेगा कि डेथ हो चुकी है उसकी, लेकिन दोस्तों उसकी डेथ नहीं हुई होती है, उसके जो जो वाइटल फंक्शंस हैं दोस्तों वो या तो कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं या फिर एकदम मिनिमम एनर्जी के साथ चलते हैं। द मेटाबॉलिक रेट इज एट सच अ लो पेस दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फॉर ओ टू इज सेटिस्फाइड थ्रू द ओ टू इन डिजॉल्व फ्लूइड, हाउएवर लाइफ कंटिन्यूज एंड दिस पर्सन कैन बी रिवाइव बाई रेसिटेटिव मेजर्स। तो दोस्तों लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं जब हम इन पर्सन को रेसिटेट कर लेते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस वॉलेंट्रली इन प्रैक्टिसनर्स ऑफ योगा फॉर लॉन्ग टाइम नोन एज डेट लाइक फ्रेंड्स। दोस्तों प्रैक्टिस करके भी हम ये कर सकते हैं, जैसे कि योगा करके, इन वॉलेंट्री सस्पेंशन एंड एनिमेशन फॉर फ्यू सेकेंड टू हाफ एन आवर इन सीन इज एपरेंटली ड्राउन पर्सन में, इन न्यू बॉर्न आफ्टर एनेस्थीसिया, इन सेरेब्रल कंकशन, इलेक्ट्रोक्यूशन, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, इन प्रोलॉन्ग इलनेस लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, ओवरडोज ऑफ बार्बिट्यूरेट्स, ओपिएट्स, नार्कोटिक पॉइजन, डीप शॉक, हाइपोथर्मिया, इंसैनिटी, मेसमेरिक पेंस एंड फ्रीजिंग ऑफ बॉडी। तो दोस्तों ये सारे इनवॉलेंट्री जो है सस्पेंडेड एनिमेशन होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ट्रू अबाउट सस्पेंडेड एनिमेशन। तो दोस्तों इसमें से क्या कौन कौन से ऑप्शन सही हैं सस्पेंडेड एनिमेशन के अंदर, तो कॉमन फिनोमिनन योगिक पर्सन कैन बी वॉलेंट्री, सिमिलर टू मॉलिक्यूलर डेथ, सिमिलर टू ब्रेन डेथ, पर्सन कैन बी रिवाइव। तो दोस्तों ट्रू इसके अंदर कौन कौन है, तो कॉमन फिनोमिनन योगा,
पर्सन, योगिक पर्सन ये सही जवाब है, कैन बी वॉलेंट्री ये भी सही जवाब है, योगिक पर्सन के अंदर होता है ये, सिमिलर टू मॉलिकुलर डेथ नहीं, सिमिलर टू ब्रेन डेथ नहीं, पर्सन कैन रिवाइव, तो ये भी सही जवाब है। दोस्तों ए बी और ई हो गए इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं पोस्टमार्टम ऑटोप्सी इज डन फॉर। दोस्तों पोस्टमार्टम ऑटोप्सी किनके लिए की जाती है, होल बॉडी, पार्ट्स विच आर इंजर्ड, पार्ट्स विच हैज बीन आस्क्ड फॉर इंक्वेस्ट, पार्ट्स विच रिलेटिव हैज गिवन परमिशन फॉर। दोस्तों जो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी होती है ये पूरी बॉडी के लिए ही की जाती है, पार्ट्स विच आर इंजर्ड नहीं, पार्ट्स विच हैज बीन आस्क्ड फॉर इंक्वेस्ट नहीं, पार्ट्स विच रिलेटिव हैज गिवन परमिशन नहीं। दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों रूल्स क्या क्या हैं पोस्टमार्टम के, तो एक बार आपको फिर से बता देता हूं मैं। पोस्टमार्टम इज नेवर अंडरटेकन विदाउट रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और कॉर्नर, जो कि मुंबई और कोलकाता में होते थे, आपको नहीं होता ये। दोस्तों मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर से रिटर्न में ऑर्डर जब आएगा तभी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। डेड बॉडीज इज अकम्पनीड बाई चलान, इंक्वायरी रिपोर्ट और पंचनामा या फिर FIR, तो दोस्तों तभी जो है किया जाएगा। प्रिफर्ड कंडक्टर इन डे लाइट, तो दोस्तों नेचुरल लाइट या फिर दिन की लाइट में किया जाएगा। बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद ट्रेनिंग इन फॉरेंसिक मेडिसिन, तो दोस्तों जिन्होंने फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर जो RMPs होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है वही कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी मेटिकुलस एंड कम्प्लीट इन एवरी केस, ऑल बॉडी कैविटी शुड बी ओपन एंड एवरी ऑर्गन मस्ट बी एग्जामिन। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए पैर पे सांप काटा है तो ये नहीं कि सिर्फ पैर की ऑटोप्सी होगी, तो दोस्तों पूरी ही बॉडी की ऑटोप्सी की जाएगी, कंप्लीट ऑटोप्सी होती है। डॉक्टर शुड रिकॉर्ड ऑल पॉजिटिव एंड इम्पॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग, तो दोस्तों जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग को ही लिखा जाए, नेगेटिव फाइंडिंग को भी लिखा जाता है। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रिजर्व बाय रिटर्न रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ एंड स्केचेस, तो दोस्तों इन सब के केस में एविडेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है, इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। द डॉक्टर शुड प्रिजर्व विसरा एंड सेंड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन केस ऑफ पॉइजनिंग, दोस्तों पॉइजनिंग के केस में विसरा को प्रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि हम टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकें उस पर। आफ्टर टॉक्सी इज कम्प्लीटेड एंड एन ओपिनियन फॉर्म एज टू कॉज एंड मोड ऑफ डेथ, द डॉक्टर प्रिपेयर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन ट्रिप्लीकेट, दोस्तों जब ऑटोप्सी कर ली जाती है, जब हम पता कर लेते हैं, तो दोस्तों उसके बाद 3 कॉपी बनाई जाती हैं, जिसमें से 1 कॉपी सेंट टू इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, 1 कॉपी इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, सेकंड दी जाती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP को या फिर मजिस्ट्रेट को, और 3rd कॉपी ऑफिसर यूज़ के लिए होती है, वहीं उस ऑफिस में रखी जाएगी, 3rd रिटेन एज ऑफिस कॉपी। आफ्टर ऑटोप्सी डेड बॉडी इज हैंडेड ओवर टू इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर और द अथॉरिटीज दैट हैज कंडक्टेड इंक्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस, तो ये नहीं है दोस्तों कि ऑटोप्सी हो जाने के बाद रिलेटिव को दे दी जाती, नहीं दोस्तों, जो इन्वेस्टिगेटिव पुलिस ऑफिसर होता है उन्हीं को ही डेड बॉडी सौंप दी जाती है वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बॉडी हैज टू बी हैंडेड ओवर टू इन्वेस्टिगेशन, दोस्तों पोस्टमार्टम कर लेने के बाद बॉडी किसको हैंड ओवर की जाती है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, रिलेटिव ऑफ विक्टिम, मजिस्ट्रेट, द सिविल अथॉरिटीज, दोस्तों इनमें से किसको की जाती है, तो दोस्तों इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को बॉडी हैंड ओवर कर दी जाती है, रिलेटिव नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, सिविल अथॉरिटीज नहीं। सो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। आफ्टर पोस्टमार्टम बॉडी इज हैंडेड ओवर टू, तो दोस्तों किसको हैंड ओवर कर दी जाती है, तो अथॉरिटी बेचर कंडक्टिंग इंक्वेस्ट इन द पर्टिकुलर केस, पुलिस स्टेशन नियर बाई, कोरोनर या फिर चीफ मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इंक्वेस्ट कर रहा होता है उसी को दे दी जाती है, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो पुलिस स्टेशन नियर बाई नहीं, कोरोनर नहीं, चीफ मजिस्ट्रेट नहीं। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया द पार्ट विच शुड बी डिसेक्टेड लास्ट इज, तो दोस्तों एस्फिक्सिया के केस में कौन से ऑर्गन को सबसे आखिर में डिसेक्ट किया जाता है, नेक, थोरिक, एब्डोमिन या फिर स्कल, तो दोस्तों एस्फिक्सिया के केस में सबसे आखिरी में किसको डिसेक्ट किया जाएगा, नेक को डिसेक्ट किया जाता है, थोरिक्स नहीं, एब्डोमिन नहीं, स्कल नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया स्पेशली इन हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन नेक शुड बी ओपन लास्ट सो एज टू प्रोवाइड अ क्लियर फील्ड डिवाइड ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डायसेक्शन दस अवॉइडिंग आर्टिफिशियल हेमरेज, तो दोस्तों क्लियर ब्लड फील्ड मिले
और जो है आर्टिफिशियल हेमरेज ना बने, इसलिए दोस्तों जो है नेक को सबसे आखिरी में जो है डाइसेक्ट किया जाता है। इन दिस केस स्कल इज ओपन फर्स्ट एंड ब्रेन इज टेकन आउट टू ड्रेन आउट द ब्लड फ्रॉम द नेक एंड चेस्ट ऑर्गन इज रिमूव प्रायर टू नेक डाइसेक्शन टू अवॉइड इंजरीज टू नेक भी। तो दोस्तों आपने देखा कि नेक के ऊपर और नेक के नीचे यानी कि ब्रेन को भी निकाल दिया जाता है, डाइसेक्ट कर दिया जाता है और चेस्ट ऑर्गन को भी निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द रेट ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ डेड बॉडी इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज। तो दोस्तों ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेड बॉडी का कूल डाउन कब होता है? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर या फिर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होते हैं वहाँ पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर की स्पीड से कूल बॉडी का कूलिंग होता है। 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नहीं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नहीं, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, यहाँ से आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। कूलिंग ऑफ डेड बॉडी जिसको हम एल्गर मोर्टिस के नाम से हम जानते हैं, तो आफ्टर डेथ द बॉडी लूजेस हीट बाई कंडक्शन कन्वेंशन एंड रेडिएशन टिल इट इज इक्विलिब्रियम विद द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ डेथ। तो दोस्तों बॉडी हीट लूज करने जाती है कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता हूँ दोस्तों। मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो कैसे मेजरमेंट करते हैं? बाय केमिकल थर्मामीटर। तो जो दोस्तों जो घर में जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है तो दोस्तों वो यूज़ नहीं किया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे केमिकल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है दोस्तों थर्नेटोमीटर। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ रेंज ऑफ 0.0 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका रेंज होता है। इट इज इंसर्टेड 8 से 10 सेंटीमीटर इन द रेक्टम एंड लेफ्ट फॉर 2 से 3 मिनट्स। तो दोस्तों रेक्टम में 8 से 10 मिनट तक अंदर इंसर्ट करके रखा जाता है और वहाँ पे 2 से 3 मिनट तक रखते हैं। इन केस ऑफ होमोसेक्सुअल एक्टिविटी और लाइक और लोकल इंजरी थर्मोमीटर या फिर थर्मोकपल इज इंसर्टेड इन ऑडिटरी मीटर्स और नॉस्ट्रिल एज डीप एज पॉसिबल। द टेम्परेचर कैन ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाई मेकिंग अ स्मॉल स्लिट इन एडोमेन एंड इंसर्टिंग द थर्मोकपल अंडर द लीवर। तो दोस्तों जैसे सोडोमी के केस में वहाँ पे नहीं रखा जाता है, उस केस में दोस्तों जो जैसे होमोसेक्सुअल एक्टिविटी अगर कोई पे हुई होती है तो दोस्तों उस केस में तो जो ऑडिटरी मेटस होता है या फिर नॉस्ट्रिल होता है तो दोस्तों वहाँ पे रखा जाता है या फिर ये चीज़ लीवर के अंदर भी रखा जाता है। तो दोस्तों सेकेंड बेस्ट साइट जो होती है, सेकेंड बेस्ट साइट जो होती है दोस्तों वो होती है सब हिपेटिक एरिया, सब हिपेटिक एरिया। रेट ऑफ कूलिंग की अगर बात करें तो दोस्तों एज द हीट लूज लॉस अकर ओनली फ्रॉम द बॉडी सरफेस एंड एज हीट फ्रॉम द इंटीरियर कैन रीच द बॉडी सरफेस बाय कंडक्शन द फॉल ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मस्ट अवेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट टुवर्ड द सरफेस। It does remain unchanged for initial 45 minutes, this phase being known as isothermic phase. Rate of cooling is related to difference in temperature between body and its surrounding. If in the first 2 hours the average rate of falling of temperature is roughly half this difference, the next 2 hours the temperature fall at the half this rate and in subsequent 2 hours at quarter this rate. तो दोस्तों इससे हम टाइम सिंस डेथ का भी पता कर सकते हैं कैसे। इन ट्रॉपिकल कंट्री इन इंडिया लाइक इंडिया द एवरेज हीट लॉस इज 0.5 से लेकर 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर एंड बॉडी अटेंड द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इन अबाउट 16 to 20 आवर्स आफ्टर डेथ। तो रफ एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर होल डिवाइडेड बाई एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मैं लिख दूँ तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टम टेम्परेचर होल डिवाइडेड बाई एवरेज रेट ऑफ फॉल। तो दोस्तों इससे हम पता कर सकते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग कूलिंग। तो दोस्तों क्या क्या फैक्टर कूलिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, दूसरा है दोस्तों सराउंडिंग, जैसे बॉडी कूल सेपरेटली इन वेल वेंटिलेटेड रूम लीड्स टू एयर सर्कुलेशन एंड कूल वाटर एंड वेन लाइंग नेकेड। मोड ऑफ डेथ आफ्टर लॉन्ग एंड वेस्टिंग इलनेस बॉडी कूल्स रैपिडली एंड इन सडन डेथ इन हेल्दी इंडिविजुअल कूल स्लोली।
बॉडी कीप्स वॉर्म लॉन्गर इन डेथ फ्रॉम द एस्फिक्शिया लाइटनिंग एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. एज एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी कैसे रहेगी, चिल्ड्रेन लीन एंड स्मॉल स्टेचर पर्सन कूल रैपिडली. तो दोस्तों ये देखा हमने एल्गर मॉर्टिस के बारे में, जिसके अंदर बॉडी हीट यूज़ करती है यानी कि बॉडी ठंडी होने लग जाती है. तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी. तो दोस्तों कैलोरिसिटी क्या होता है, इंक्रीज और रिटेन बॉडी हीट फॉर द फर्स्ट टू आवर और सो ऑफ द डेथ. तो दोस्तों डेथ के कुछ टाइम बाद तक बॉडी क्या करती है, थोड़ी सी हीट गेन करती है. किस किस केस में होगा दोस्तों, ड्यू टू डिस्टर्ब हीट रेगुलेशन जैसे कि सन स्ट्रोक, स्पॉन्टेनियस हेमरेज. ड्यू टू हीट प्रोडक्शन बाय मसल एक्टिविटी एंड कन्वर्शन जैसे कि टिटनेस एंड स्ट्रिक्नीन पॉइजन एंड एसेक्शुअल डेथ. डेथ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, एक्यूट बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन जैसे टाइफॉइड, सेप्टिसीमिया, एनसेफेलाइटिस, कोलेरा एटसेट्रा. तो दोस्तों पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी भी होती है कुछ कुछ केस में. तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं द रेट ऑफ कूलिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग. तो दोस्तों रेट ऑफ कूलिंग किस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, टाइम ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ या फिर कॉज ऑफ डेथ. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था रेट ऑफ कूलिंग टाइम ऑफ डेथ का हम पता कर सकते हैं. तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो बी गलत, सी गलत, डी गलत. द आइडियल प्लेस टू रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर इन बॉडी इज. तो दोस्तों जो आइडियल प्लेस जो होती है वो होती है दोस्तों रेक्टम. एक्सला नहीं, मौत नहीं, ग्रॉइन नहीं. तो दोस्तों रेट ऑफ कूलिंग की बात चल रही है तो आपको जैसे यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, मैं समर्स के केस में दोस्तों 0.75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आर, या फिर आप ले सकते 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर. ये हो गया दोस्तों समर का केस. विंटर केस की अगर हम बात करें तो विंटर के केस में क्या होता है दोस्तों, 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आर, या फिर अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर ये होता है. तो दोस्तों इसके अंदर जो मैंने आपको कर्व बताया था वो मैंने ऐसे इन्वर्टेड एस शेप में मैंने कर्व बताया था. ये हो गया फर्स्ट फेज, ये हो गया सेकंड फेज, ये हो गया थर्ड फेज. पोस्टमार्टम लिविडिटी परसिस्ट टिल 24 घंटा, 18 घंटा, 2 से 3 घंटा या फिर 48 आवर्स या फिर मर्ज वे प्यूट्रिफिकेशन चेंजेस. तो दोस्तों ये है प्यूट्रिफिकेटिव चेंजेस. तो दोस्तों पोस्टमार्टम लिविडिटी परसिस्ट कब तक करेगी दोस्तों, तो 24 घंटा नहीं, 18 घंटा नहीं, 2 से 3 दिन नहीं, 48 आवर्स नहीं. तो दोस्तों मर्जेस वे प्यूट्रिफिकेटिव चेंजेस. तो ई हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर. तो पोस्टमार्टम लिविडिटी ऑल्सो नोन एज सगिलेशन, वेबिसिस, हाइपोस्टेसिस, स्टेनिंग, डार्कनिंग ऑफ डेथ. इट इज एन अर्ली साइन ऑफ डेथ एंड कमेंसेस विदिन एन आवर ऑफ डेथ. फिक्स्ड इन अबाउट 4 to 6 आवर्स में फिक्स होता है. मैक्सिमम होता है दोस्तों 6 से 12 आवर्स के बीच में. परसिस्ट करता है टिल प्यूट्रिफिकेशन सेट इन. तो दोस्तों जब तक प्यूट्रिफिकेशन सेट नहीं कर जाता है तब तक के लिए देखा जाता है. लिविडिटी डज नॉट डेवलप इन ड्रॉनिंग इन रनिंग वाटर एंड एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट फ्लैट. तो दोस्तों अगर मान लीजिए जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है वहाँ पे नहीं आएगा, और प्लस जो ड्रॉनिंग अगर फास्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर होता है, फ्लोइंग वाटर के अंदर होता है, तो उस केस में भी डेवलप नहीं करेगा. व्हेन लिविडिटी फर्स्ट डेवलप यानी कि बिफोर फिक्सिंग, ऑन अप्लाइंग फ्रीम प्रेशर इट डिसअपियर एंड रिलीजिंग प्रेशर इट रीअपियर. तो यही दोस्तों डिफ्रेंशिएट करता है ब्रूज से. तो प्रेशर को अप्लाई करते ही वो डिसअपीयर करेगा, जैसे प्रेशर को हटा देंगे वो फिर से अपीयर कर जाएगा. तो दोस्तों एक अगर मैं डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों अगर डायग्राम से मैं आपको अगर मैं समझाऊं तो ये रही टेबल पे अगर मान लीजिए डेड बॉडी ऐसे रखी हुई है. तो दोस्तों पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. तो दोस्तों इस केस में जो प्रेशर जहाँ पे अप्लाई करा वहाँ पे नहीं होगा, यहाँ और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे नहीं होगा. तो दोस्तों बी एंड डी पोजीशन पे दोस्तों पोस्टमार्टम लिविडिटी देखी जाएगी. इफ अ बॉडी इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर हाउ लॉन्ग डज पोस्टमार्टम लिविडिटी परसिस्ट. दोस्तों अगर मान लीजिए अगर बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है तो कब तक पोस्टमार्टम लिविडिटी देखी जाएगी, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, फ्यू मंथ या फिर परसिस्ट इन मर्ज विद डिस्कलरेशन ऑफ द प्यूट्रिफिकेशन.
तो दोस्तों ये विट्रिफिकेशन परसिस्ट टिल मर्जेस विद डिस्कलेशन ऑफ द विट्रिफिकेशन, इसका सही जवाब है फ्यू आवर्स नहीं, फ्यू डेज नहीं, फ्यू मंथ नहीं, दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। पोस्टमार्टम लिविडिटी इज अनलाइकली टू डेवलप इन अ केस ऑफ, तो दोस्तों पोस्टमार्टम लिविडिटी किसके अंदर डेवलप नहीं करेगी, ड्रॉनिंग इन वेल, ड्रॉनिंग इन फास्ट फ्लोइंग रिवर, पोस्टमार्टम सबमर्शन, ड्रॉनिंग इन क्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल, तो दोस्तों किसके अंदर डेवलप नहीं करेगी पोस्टमार्टम लिविडिटी, तो वेल के अंदर करेगी, फास्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर नहीं करेगी, सबमर्शन के अंदर करेगी, क्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल के अंदर करेगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि फास्ट फ्लोइंग रिवर जैसे माने कभी ऐसे है डेड बॉडी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो एक डिपेंडेंट पार्ट नहीं मिल पाएगा, तो इस वजह से दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, फास्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे तो मैं आके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। राइगर मोर्टिस फर्स्ट अकर फर्स्ट इन विच इन वॉलेंट्री मसल, तो दोस्तों राइगर मोर्टिस कौन से वॉलेंट्री मसल के अंदर सबसे पहले आता है, तो मसल ऑफ आईलिड, स्मॉल मसल ऑफ हैंड, नेक मसल या फिर फेस मसल। तो दोस्तों जो वॉलेंट्री मसल की यहाँ पे बात चल रही है तो मसल ऑफ आईलिड के अंदर सबसे पहले देखा जाता है, स्मॉल मसल ऑफ हैंड, नेक मसल नहीं, फेस मसल नहीं, दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा दोस्तों आपके इसके बारे में बता देता हूँ मैं, हालांकि जो पार्ट टू जो मैं लेके आऊँगा थैनेटोलॉजी का चेंजेस आफ्टर डेथ का, तो दोस्तों उसके अंदर मैं पूरा राइगर मोर्टिस अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पर बस थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। इन इंडिया राइगर मोर्टिस कमेंसेस इन 2 to 3 hours, टेक्स अबाउट 12 hours टू डेवलप फ्रॉम हेड टू फुट, परसिस्ट फॉर अनदर 12 hours एंड टेक्स अबाउट 12 hours टू पास ऑन, सो इफ राइगर मोर्टिस हैज नॉट सेट इन द टाइम सिंस डेथ वुड बी विद इन 2 hours एंड इफ इट इज एंड इट हैज इफेक्टेड द होल बॉडी द टाइम सिंस डेथ वुड बी टेकन 12 to 24 hours। इट डज नॉट स्टार्ट इन ऑल मसल्स स्पॉन्टेनियसली, ये होता है दोस्तों इंस्टेंस रूल। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस दोस्तों एंड डिसअपीयरेंस, तो जिस अपीयरेंस में आता है उसी ऑर्डर में डिसअपीयर करता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाता है दोस्तों हार्ट के अंदर, और हार्ट के अंदर भी दोस्तों लेफ्ट चैम्बर के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों देखा जाता है आईलिड के अंदर, आईलिड के अंदर भी मैं बता दूँ दोस्तों जो अपर आईलिड है उसके अंदर देखा जाता है। फेस मसल, फेस का नेक एंड ट्रंक, अपर एक्सट्रीमिटीज, लेग्स, फिर स्मॉल मसल और फिंगर एंड टोज, लास्ट फॉर टू बी अफेक्टेड 11 to 12 hours। तो दोस्तों जिस ऑर्डर में आया था उसी ऑर्डर में जाएगा, इट पास ऑफ इन सेफ इन सेम ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। इट टेक्स अबाउट 12 hours टू डेवलप फ्रॉम हेड टू फुट, परसिस्ट फॉर अनदर 12 hours एंड टेक्स 12 hours टू पास ऑफ। तो दोस्तों यही होता है रूल ऑफ 12, ये दोस्तों रूल ऑफ 12। इट यूजली लास्ट फॉर 18 to 36 hours इन समर्स, 24 to 48 hours इन विंटर्स। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं जो अगली जो रिकॉर्डिंग में जो लेके आऊँगा थैनेटोलॉजी पार्ट टू, उसके अंदर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा विद इमेज। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन राइगर मोर्टिस मसल, मसल कैसी हो जाती है दोस्तों, स्टिफन शॉर्ट या फिर स्टिफन एंड शॉर्ट या फिर स्टिफन एंड लैदन। तो दोस्तों राइगर मोर्टिस के अंदर स्टिफन एंड शॉर्टन दोनों देखी जाती हैं, तो राइगर मोर्टिस के केस में दोनों देखी जाती, तो सी तो स्टिफन नहीं, शॉर्टन नहीं, स्टिफन एंड लेंथन नहीं, तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा राइगर मोर्टिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ मैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एटीपी की डिप्लीशन की वजह से होता ही है। इसके अंदर सबसे पहला वॉलेंट्री अगर ऑर्गन की अगर बात करें, तो वॉलेंट्री ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वॉलेंट्री ऑर्गन होता है वो होता है दोस्तों एक्सटर्नल अपर आई लेड। तो दोस्तों ये करीबन 2 to 3 hours में राइगर मोर्टिस के अंदर देखा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री मसल की, तो इनवॉलेंट्री मसल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हार्ट के अंदर, तो हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर भी दोस्तों लेफ्ट मायोकार्डियम, लेफ्ट मायोकार्डियम के अंदर देखा जाता है दो लगभग आधे से 1 hours के आसपास के अंदर। दोस्तों निस्टेंस रूल क्या होता है, ऊपर से स्टार्ट करेगा और नीचे की तरफ जाएगा,
इसी डायरेक्शन में दोस्तों आता है और इसी डायरेक्शन में जाता है। तो यही है दोस्तों मिस्टेंस रूल, यही है दोस्तों मिस्टेंस रूल। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये रिकॉर्डिंग में एंड करता हूँ। एंड करने से पहले थिंक पॉजिटिव। तो दोस्तों जैसे कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेके आइए, अपने अंदर पॉजिटिव बिलीव लेके आइए कि येस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। दोस्तों ये अपने अंदर ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये हमेशा अपने अंदर मेंटेन करके रखा करिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके अंदर बिलीव लेके आता है कि हाँ आप कर सकते हो। आप दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब भी चला करोगे तो दोस्तों आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आपको मिला करेगा। तो दोस्तों जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, तो मैं ये शेड्यूल बता रहा हूँ कि आप क्या शेड्यूल अपना सकते हैं, कि अगर आप दोस्तों डेली 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं तो दोस्तों आप जो है इसको दो पार्ट में स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट और दूसरा 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट। तो पहले 4 से 5 घंटे में आप दोस्तों थ्योरी पार्ट कवर करिए और दूसरा जो 4 से 5 घंटे का जो स्लॉट होगा दोस्तों उसके अंदर आप रिविजन या फिर MCQs या फिर टेस्ट या फिर आप ग्रैंड टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो दोस्तों कोशिश करिए कि शाम को 3:30 बजे से आप ग्रैंड टेस्ट दो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो शाम के वक्त में होता है 3:30 बजे से। तो दोस्तों अगर आप डेली अगर आप 3:30 बजे से डेली अगर आप अपना ग्रैंड टेस्ट अगर आप देते हो तो दोस्तों इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये कि आपको जो है अपना इवेल्यूशन आपको पता चलेगा कि आप इवेल्यूएट कर पाओगे अपने आप को। दूसरा ये है दोस्तों आपको उस टाइम पे नींद नहीं आएगी। दोस्तों जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि लंच करने के बाद दोस्तों सो जाते हैं ताकि वो रात भर पढ़ाई कर सकें। ठीक है, हर किसी का अपना अलग अलग शेड्यूल होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप शाम को 3:30 बजे से अगर आप दोस्तों अपना ये पार्ट मेंटेन कर लेते हैं तो दोस्तों आप क्या होगा कि आपको लंच के बाद दोस्तों आपको नींद नहीं आएगी, आपका एक फोकस बना रहेगा, आपका इस टाइम पे ब्रेन एकदम सबसे ज़्यादा वर्क करा करेगा। तो दोस्तों जो दिन में सो के रात भर जगते हैं तो उनके में एक एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है कि दोस्तों एग्ज़ाम से पहले उनको अपना शेड्यूल बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर दिन में तो सोने की आदत होती है तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि बाई चांस कि गॉड फॉरबिड कि अगर मान लीजिए नींद आ गई तो इससे दोस्तों उनको अचानक से एग्ज़ाम से पहले अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। दोस्तों आप नहीं चाहोगे कि एग्ज़ाम से पहले आपको अचानक से शेड्यूल चेंज करके दोस्तों आपकी एफिशिएंसी कम हो। तो दोस्तों अगर आप अभी से ही ये प्लानिंग अगर आप बना लेते हो तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम से पहले कोई भी शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप दोस्तों एक ज़्यादा फोकस माइंड के साथ दोस्तों आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं, ज़्यादा से स्लाइड्स रखें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि लाइव क्लास नहीं है। तो ऐप के अंदर दोस्तों मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आएगा तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मैं जो कोड रेफरल कोड है वो है LIVEDRM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपका एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जनरली 24 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 30,000 रुपीज़, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो आपको दोस्तों 30,000 नहीं देना पड़ेगा, ये आपको देना रहेगा 27,000 रुपीज़ ओनली। ऐसे दोस्तों अगर मैं 12 मंथ के चार्जेस की बात करूँ तो 12 मंथ के जो चार्जेस होते हैं 22,500। ऐसे दोस्तों अगर मैं इसके अंदर 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूँ तो ये होता है 4,500। तो दोस्तों अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़, विच इज़ इक्वलेंट टू 24 मंथ्स। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको पे करना है एक तरीके से 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हम इसलिए कहते हैं
कि दोस्तों अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता तो दोस्तों अब से 7 महीने बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों हो सकता है कि जब तक आप कॉलेज के अंदर एंटर करें काफ़ी सारी चीज़ें जो है माइंड से स्किप होने लग जाए, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो दोस्तों आपके जो ड्रीम सब्जेक्ट हैं, आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं, आपका जो ड्रीम ब्रांच है, आप दोस्तों उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपका ऑर्थोपेडिक है या रेडियोलॉजी है या आपका डर्मेटोलॉजी है या गायनी ऑप्शन मेडिसिन या सर्जरी है, दोस्तों कोई भी अगर आपका ब्रांच ड्रीम ब्रांच है तो दोस्तों आप लाइव क्लासे अटेंड कर करके आप उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर एकदम अप टू डेट रह सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट ये भी है कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट वीक रह जाता है, आप उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, तो दोस्तों आप वो भी उसको स्ट्रॉन्ग कर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ और भी सारे बेनिफिट हैं दोस्तों, इस पैंडेमिक के टाइम पे आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट रहते हैं तो आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं एजुकेटर के सामने। तो दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कंप्लीट कवरेज मिलता है, अलग अलग एजुकेटर से आपको मिलते हैं, लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को इस पेंडेमिक के टाइम पर यही लगता है कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी आने जाने के लिए, आप कहीं पे भी कहीं से भी आप जो है यहाँ पे लाइव क्लासे अटेंड कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर कोई छूट भी जाती है आपसे लाइव क्लास तो आपको पावे मिल भी जाएगी, आप उसको ऐप के अंदर दोबारा देख भी सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये रिकॉर्डिंग मैं एंड करता हूँ, और कल फिर से इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं, थैनेटोलॉजी का पार्ट 2। उसके अंदर मैं राइगर मोर्टिस, एडिपोसिया फॉर्मेशन, जो है ममिफिकेशन, उसके अंदर एंटोमोलॉजी, उसके अंदर मार्बलिंग, बहुत सारे टॉपिक मैं उसके अंदर लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अगली बार मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ।